नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। फिल्म की शुरुआत में हमें कूपर नाम का एक किरदार दिखाई देता है जो किसी से कॉल के जरिए बात करते हुए अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। जब वो एक मीटिंग में अपने बॉस से बात कर रहा था तभी वहाँ उच्च आवृत्ति का शोर सुनाई देता है। नतीजतन सभी लोग अपना होश खो देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक विशाल बग कूपर का खून चूस रहा है और वो भी एक जाले में फंसा हुआ है। होश में आने पर वो देखता है कि उसका बॉस और पूरा स्टाफ भी एक जाल में फंस गया है और तभी एक बड़ा बग उस पर हमला कर देता है। इससे वो पूरी ताकत से लड़ता है और वो उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद वो अपने बॉस और अपने एक साथी को उठा लेता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बेटी को बचाने के लिए बाहर भागती है। कूपर उसे मुश्किल से रोकता है और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी सारा नाम की बेटी को बचाने के लिए बाहर जाता है, जो एक कार में जाल में फंस गई थी। जैसे ही वो सारा को उठाता है, वो डर के मारे कूपर की आंखों में स्प्रे छिड़क देती है। वहीं सारा की माँ यानी कूपर की बॉस बाहर जाती है और जीव की तरह की एक बड़ी बग उसको लेकर उड़ जाती है। डरकर सारा जोर से चिल्लाती है, तभी काफी सारे कीड़े या बग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे खुद को छिपाने के लिए इमारत की ओर भागते हैं। यहाँ सारा और कूपर समझ जाते हैं कि ये बग उच्च आवृत्ति ध्वनि पर हमला करते हैं। अब सारा बिल्डिंग के दूसरे लोगों को उठाने लगती है और जब वो एक आदमी को उठाती है तो वो उस पर हमला करता है। फिर उसी समय वहाँ एक विशाल बग दिखाई देता है और कूपर के पैर को पकड़ लेता है। वो आदमी उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये बड़े कीड़े हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं और वो तुरंत सारा को छोड़ देता है। वो वहाँ के अन्य लोगों को भी उठा देते हैं जहाँ वो परिस्थितियों को देखते हुए बाहर जाने की योजना बना रहे थे। लड़कों में से एक के पास एक ट्रक था जो कहता है कि मैं ट्रक से निकलूंगा, लेकिन सारा को ये प्लान पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ट्रक की आवाज़ बहुत तेज थी और वो बड़े कीड़े इसके जरिए उन पर हमला कर सकते थे। लेकिन वो लड़का उनकी बात से सहमत नहीं होता और वो सभी बिल्डिंग से बाहर जाते हैं। बाद में वो अपने ट्रक में एक लड़के और लड़की को बैठाकर भाग जाता है। जब वो लड़का अपने ट्रक को आगे बढ़ाता है तो तभी विशाल काय कीड़े शोर सुनकर उस पर हमला कर देते हैं और वो यहाँ मर जाते हैं। और फिर वो कीड़े एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला करते हैं जिससे वो मर जाता है। वो सभी लोग डर कर वापस इमारत में जाने का फैसला करते हैं। वापस लौटते वक्त अल्बर्ट नाम का एक आदमी बड़े मक्खी जैसे जीव का शिकार हो जाता है। वो बड़ी मक्खी जैसी प्राणी उसके शरीर को डंक मारती है, लेकिन यहाँ अल्बर्ट बच जाता है। वो सभी इमारत में प्रवेश करते हैं और वो हालात जानने के लिए छत पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक लाल फॉग दिखाई देता है। फिर वो इमारत की विपरीत दिशा में देखते हैं जहाँ कई विशाल काय मक्खी जैसे जीव अपनी विपरीत दिशा में उड़ रहे थे। उनका सुझाव है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य हवाई अड्डे पर जाना चाहिए और कूपर बताता है कि मेरे पिता का घर भी मिलिट्री एयरबेस के पास ही है, हमें सुरक्षित आश्रय खाना जैसी सभी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन लीची को यहाँ उन कीड़ों पर शोध करना था तो उनमें से किसी एक बग का डीएनए लीची के लिए आवश्यक था। इस उद्देश्य के लिए वो सभी एक बग को एक कमरे में फंसा लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे दरवाजा खोलते हैं तो वो बग बाहर जाने के लिए अपना पैर बाहर लाती है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब उसका पैर उस दरवाजे में फंसा हुआ है, इसलिए वो इसके खून को उसके पैर से ले जाने में सफल होते हैं। फिर वो सभी एक जगह बैठे हुए नजर आते हैं और इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि जब उन्होंने उच्च आवृत्ति का शोर सुना तो वो सब बेहोश हो गए। इस बात से वो सब हैरान थे कि आखिर वो बग्स उन्हें जाल में क्यों फंसा रहे हैं। सारा बताती है कि वो मनुष्य को जाल में इसलिए फंसा रहे हैं जिससे उनका रक्त और शरीर तरोताजा रहे और वो इसे लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बग जोर से शोर कर रहा था जो उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। अल्बर्ट जल्द ही वहां पहुंचता है, वो उस बग को मार देता है और यहां लीची उन्हें रिवील करती है कि ये बग बिना किसी कारण के शोर नहीं कर रहा था बल्कि ये अपने समूह को संकेत दे रहा था। नतीजतन उन्हें यह स्थान छोड़ना होगा। लीची ने खुद यहां से जाने से मना कर दिया क्योंकि वो इन कीड़ों पर शोध कर रही थी। इसके अलावा वो यहाँ सभी लोगों को उठाना भी चाहती थी और इसके बाद में सारा और कूपर के साथ अन्य लोग भी इस स्थान को छोड़ देते हैं।
सबसे पहले वो अल्बर्ट के घर जाते हैं जहां उन्होंने देखा कि अल्बर्ट की पत्नी नहीं रही। अल्बर्ट इस पर बहुत उदास था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और वो बंदूक लेकर दूसरों के साथ बाहर निकलता है। सारा सोचती है कि उस बंदूक को बाहर लाना गलत फैसला, क्योंकि कई कीड़े बंदूक की आवाज़ से उनका पता लगा सकते थे। अल्बर्ट इस पर कहते हैं कि मैंने इसे गंभीर स्थिति के लिए लिया है। फिर वो उस लड़की के घर चले जाते हैं जो सारा के ग्रुप के साथ जा रही थी। अपने घर पहुंचकर उस लड़की ने देखा कि उसकी बहन भी जाल में फंसी हुई है। वो अपनी बहन को उठाने लगती है और उसी समय उसका भाई प्रवेश द्वार से प्रकट होता है। अब वो एक राक्षस बग में बदल गया था ताकि वो लड़का सभी पर हमला कर दे। सबसे पहले वो लड़का अपनी बेहोश बहन का शिकार करता है। इसके बाद वो अपनी दूसरी बहन के पास चला जाता है जहां वो लड़की अपने भाई को देखकर बहुत दुखी हुई, इसलिए वो उसे मारने के लिए अल्बर्ट और कूपर को रोकती है, लेकिन वो उन दोनों को घायल कर देता है। तो अल्बर्ट अनिच्छा से उसे मार देता है और बाद में वो दोनों रात में उस लड़की के घर रुकने की योजना बनाते हैं। यहाँ वो लड़की कूपर से शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वो उसे अस्वीकार कर देता है। अब अल्बर्ट दिखाई देता है जो उस बग से घायल हो गया था। अब वो धीरे धीरे बग राक्षस में परिवर्तित हो रहा था, तो वो अपने साथी से अनुरोध करता है, अगर मैं राक्षस में बदल गया तो मुझे मत मारना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। भोर हो जाती है और वे सभी अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। अगली सुबह वो उसके घर से बाहर आते हैं। सारा कूपर से कहती है कि मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ से वो लाल फॉग निकल रही थी। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ भी वहाँ होंगी। कूपर उसे समझाता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी माँ वहाँ जीवित रहेगी? क्योंकि वहाँ जीवित रहने का कोई चांस नहीं है, इसलिए आपका वहाँ जाना बेकार होगा। और वो कहता है कि उन्हें कूपर के साथ उसके पिता के घर जाना चाहिए। और इस दौरान कई मक्खी जैसे जीव उनकी ओर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मक्खियों को देखकर सारा डर गई, क्योंकि ये वही मक्खियाँ थीं जो उसकी माँ को भी ले गई थी। वो डर के मारे कूपर का हाथ पकड़ लेती है। नतीजतन दूसरी लड़कियाँ ईर्ष्या करती है क्योंकि कूपर ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि मक्खी जैसे जीव वहाँ पहुँच सके। कूपर और अन्य सभी लोग उसे समझाते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी बात नहीं मानती। तो अल्बर्ट को इस स्थिति में अनिच्छा से उस पर अपनी बंदूक चलानी पड़ती है। बंदूक की आवाज़ सुनकर एक मक्खी कूपर पर हमला करती है और सारा उसे बचाने की कोशिश करती है, तो एक अन्य मक्खी जैसे जीव वहाँ से सारा को ही उठा लेते हैं और कूपर उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में वो तुरंत अपने पिता के घर चला जाता है। वहाँ उसके पिता अपने पालतू जानवर को ढूंढ रहे थे और उसे तेज आवाज में बुला रहे थे। कूपर उसे रिलैक्स होने को कहता है और सारा को बचाने के लिए उसके साथ जाने का अनुरोध करता है, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। बाद में हम देखते हैं कि अल्बर्ट पर मक्खी जैसे प्राणी द्वारा हमला किया गया था, तो अब वो भी राक्षस में बदल गया था, इसलिए उसका साथी उसे अनिच्छा से मार देता है। उन्होंने अल्बर्ट को गोली मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया, इसलिए वहाँ कई मक्खी जैसे जीव आ जाते हैं। वो सभी खुद को बचाने के लिए तहखाने में चले जाते हैं। अब सारा को दिखाया जाता है जो कीड़ों के घोंसले में थी, और वो कई लोगों को वहाँ जाल में फंसा हुआ पाती है और ये देखकर वो डर जाती है। दरअसल उन कीड़ों ने उन लोगों को जाल में फंसा लिया था ताकि उनकी रानी उन्हें आसानी से खा सके, और सारा डर के मारे अपनी माँ को खोजने लगती है। अगली सुबह कूपर फिर से अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। तो फिर वो अकेला उस छत्ते में चला जाता है जहां उसे पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया, ये सोचकर कि वो भी संक्रमित है और वो एक राक्षस में बदलने जा रहा है, जैसे कि अल्बर्ट बदल गया था। पुलिस अधिकारी कूपर के साथियों और पिता को भी उनके साथ कैद करने के लिए पकड़ लेते हैं। कूपर उनसे कहता है कि तुम हमें बहुत गलत समझ रहे हो, हम संक्रमित नहीं हैं, आप चाहे तो हमें चेक कर सकते हैं। वहाँ वो ये भी देखते हैं कि कूपर के पिता भी संक्रमित है, और इस बीच कूपर के पिता वहाँ एक पुलिस अधिकारी को पकड़ लेते हैं और कूपर को रिहा करने के लिए कहता है। और एक व्यक्ति जो कूपर के साथ जेल में था, वो भी अप्रत्याशित रूप से एक बग राक्षस में बदल जाता है। वो स्थानीय पुलिस में से एक को मार देता है और मौका पाकर कूपर के पिता अन्य पुलिस अधिकारियों से भिड़ जाते हैं और बाहर आते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ साइकिलें मिलती हैं जिसके ज़रिए वो छत्ते तक पहुँचते हैं। कूपर के पिता यहाँ कूपर को बांध देते हैं और उसके साथी को मारते हैं और खुद उस छत्ते तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कूपर खतरे में पड़ जाए। बग के घोंसले में कदम रखते ही सारा कूपर के पिता को घायल कर देती है।
फिर वो उससे कहता है कि मैं कूपर का पिता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। सारा को ये सुनकर सुकून मिलता है और वो उसे गले लगा लेती है। वो उसे ये भी बताती है कि वो यह अपनी माँ की तलाश करने में असफल रही। इसके बाद वो उस बग क्वीन को मारने के लिए कूपर के पिता के साथ जाती है, क्योंकि उसने कुछ समय पहले बग क्वीन देखी थी। वहां जाकर उन्हें बग क्वीन नहीं मिलती। अचानक वो बग रानी उन पर ऊपर से हमला कर देती है। और अब हम बाहर देखते हैं कि कूपर के साथी को होश आ गया है और वो कूपर को भी मुक्त कर देता है और वो दोनों एक साथ छत्ते में चले जाते हैं। अब कूपर अपने साथी को ज्यादा अंदर जाने से रोकता है, लेकिन कानों की समस्या होने के कारण वो सुन नहीं पाता और इसमें प्रवेश करता है, तो कूपर को भी उसके पीछे आना पड़ता है। वो अंदर जाकर एक अंडे पर गिरते हैं और वो इसके साथ बग की आवाज़ भी सुनते हैं। वो इस आवाज़ से समझ गया था कि उसके पिता भी यहाँ हैं, इसीलिए वो अपने पिता की तलाश में आगे बढ़ता है। इधर कूपर के पिता उस बग क्वीन पर बंदूक से गोली चला रहे थे और वो बग रानी उस पर हमला करने जा रही थी कि तभी कूपर उस पर हमला करता है, लेकिन इस फायरिंग से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये सबसे तेज आवाज पैदा करता है, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में देखा गया था, तो इस वजह से सभी को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। कूपर के साथी पर इस साउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सुनने में दिक्कत थी और इसके अलावा उनके पास कोई श्रवण मशीन भी नहीं थी। वो तुरंत बग रानी के मुंह में कूपर के पिता का बम डाल देते हैं ताकि उस बग क्वीन को कुछ देर के लिए चुप करा दिया जाए। अब कूपर के पिता बुरी तरह से घायल होने के कारण खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो कूपर को यह स्थान छोड़ने के लिए कहता है। अब कूपर के पिता उस विस्फोटक का रिमोट कूपर को देते हैं, जिसे उस बग क्वीन के मुंह में डाल दिया जाता है और वो उसे ये भी निर्देश देता है, बाहर जाकर उसका बटन दबाओ, अब हम बाहर मिलेंगे। अब कूपर के पिता भी मॉन्स्टर बग में तब्दील हो चुके थे। वो एकाएक डरते हैं। कुछ दूर आकर वो उस रिमोट का इस्तेमाल करता है ताकि बम ब्लास्ट हो सके। वो बटन दबाता रहता है लेकिन कोई विस्फोट नहीं होता। जैसे ही वो रिमोट देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें बैटरी नहीं है और अब कूपर तुरंत वहां बैटरी की खोज शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और अचानक उसे एक विचार आता है, उसे याद आता है कि उसके हाथ में एक टॉर्च है। वो तुरंत उसकी बैटरी को रिमोट में डालता है और वो उस बटन को दबाता है और उसके साथ बग क्वीन ब्लास्ट हो जाती है और पूरा छत्ता भी जलकर ख़त्म हो जाता है और कूपर इस विस्फोट के कारण अपने होश खो बैठता है। सारा और उसका दूसरा साथी उसे बाहर ले जाते हैं और वो होश में आकर अपने साथ सारा की झलक देखता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने कीड़ों का सपना देखा और उनकी बग रानी को भी मार डाला। सारा उसे बताती है कि आपने इसे हकीकत में किया था। फिर उनमें से तीन लोग बाकी लोगों को जाल से मुक्त करने के लिए एक साथ काम करते दिखाई देते हैं और इस बीच वो देखते हैं कि कुछ दूर से कुछ आ रहा है। ये देखकर वो हैरान और चिंतित हो गए थे, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि ये क्या था और इस सीन पर पूरी फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।